महेंद्र सिंह धोनी ने आज तक अपने सभी फैंस और क्रिकेट विश्व को अपने फैसले से चौंका दिया है। एक बार फिर 24 मार्च 2022 को महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़कर पूरे क्रिकेट विश्व को चौंका दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी सर रविंद्र जडेजा के हाथों में दी है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार चैंपियन बनी है। धोनी लीडर होने के साथ साथ एक परफॉर्मर भी है। धोनी जानते थे कौन सा खिलाड़ी कहाँ यूज करना है। जब जब विकेट की ज़रूरत होती थी तब तब धोनी ने ऐसे कुछ बॉलर को बॉल दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती थी। हर बार की तरह ये बातें हो रही है कि ये आईपीएल सीज़न धोनी का आखिरी सीज़न होगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धोनी ने खुद कहा था कि मैं अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलूँगा, पर इस बार का जो सीज़न है उसमें एक भी मैच चेन्नई में नहीं खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर धोनी की चेन्नई थी, है और रहेगी। धोनी ने भले ही कप्तानी छोड़ दी है पर चेन्नई और चेन्नई के फैंस के लिए धोनी आज भी कप्तान है। आप भारत के चाहे किसी भी कोने में रहते हो पर आपके शहर में, गली में, घर में धोनी का एक फ़ैन तो ज़रूर रहता है। दोस्तों, धोनी का कौन सा मैच आखिरी मैच होगा ये धोनी के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी चौंकाने वाला फैसला वो ले सकते हैं। तो यार, हर मैच धोनी का मैच आखिरी मैच हो सकता है, इसलिए मैच को देखो और माही को ग्राउंड में देखते रहो, क्योंकि शायद से ऐसा मौका माही के फैंस को अगली बार ना मिल पाए। जब माही नहीं रहेंगे, माही आप बहुत याद आओगे। महेंद्र सिंह धोनी इज़ ऑलवेज अ किंग। लव यू माही, एंड सब तुमको बहुत याद करें।